बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर किसानों के लिए एक बार फिर प्रदेश सरकार खुशखबरी लेकर आई है। प्रदेश में धान खरीदों के लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है और इस बार किसानों के समर्थन से कांग्रेस 75 पार की सरकार बनाएगी। अगली सरकार के कार्यकाल तक 3600 रुपये क्विंटल धान खरीदा जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 15 की बजाय 20 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत जो हम दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई नहीं दे पा रहा है। सपोर्ट प्राइस में हम धान की खरीदी करते हैं और धान उत्पादक किसानों को खरीफ के लिए प्रति एकड़ 900 रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना हर साल सरकार के द्वारा दे है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों को हर साल धान की कीमत लगातार 2500 रुपया का वायदा हमने किया था, इस साल 2660 रुपये किसानों को मिल रहा है और आने वाले साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो और राजीव गांधी किसान न्याय योजना दोनों जोड़ने के बाद 2800 रुपया पार हो जाएगा। और लगातार जो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नीति बनाई है, जितना